हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा स्टॉर्म एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन हीट करता है यानी कि गर्म होता है, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। फोन को रीस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज आता है ये वाला, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ही होता है हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अगला काम करना क्या है, देखिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कभी भी आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं ना, तो मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए हमेशा अपने फोन के साथ वाला चार्जर आपको यूज करना है। कभी कभार ऐसा होता है, हम किसी भी दूसरे मोबाइल फोन का चार्जर यूज कर लेते हैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए, इससे हमारा मोबाइल फोन जो है हीट होता है। क्योंकि देखिए, दूसरे मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है वो हमारे फोन को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारा फोन जो है ना हीट होता है, गर्म होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखनी है, कभी भी आप अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगा के अपने फोन को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इससे मोबाइल फोन हीट होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है, इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट पर टैप करना है। आपको इस वाले पेज पर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, उसे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके मोबाइल फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की जो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस को आपको ना फुल नहीं रखना है। फुल रखने से भी ब्राइटनेस जो है ना मोबाइल फोन गर्म होने लग जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ना कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, कभी भी आप अपने मोबाइल फोन को कंटिन्यू अगर ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने मोबाइल फोन को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा यूज़ करा ज़्यादा देर तक, और तुरंत ही अपने मोबाइल फोन को अगर आप चार्जिंग पर लगाएंगे ना, तो मोबाइल फोन गर्म होने लगेगा, हीट होने लगेगा। तो आपको अपने मोबाइल फोन को 10-15 मिनट का पहले रेस्ट देना है, उसके बाद चार्जिंग पर लगाना है। इससे मोबाइल फोन गर्म नहीं होगा, मतलब कि हीट नहीं होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं कोई भी, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसमें आपको नीचे सिस्टम पर टैप करना है, इसके अंदर आपको नीचे की साइड रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको सबसे नीचे डिलीट ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे, इससे आपके मोबाइल फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पर दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन हीट कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं, ठीक है।